हाय, सभी का स्वागत है। एंड आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द बिग वन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, उसी में सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो गाइस, शुरुआत होगी हमारी नाउन से। नाउन यानी कि संज्ञा, ये क्या है आज हम जानेंगे इस सेशन में, इसके टाइप्स। प्रैक्टिकली आप सोचेंगे, देखेंगे कि मतलब जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो क्या हमें पता होता है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। इस पर विचार करेंगे, उसके टाइप्स कितने हो सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि एग्जाम में जब प्रश्न बनता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कैसी एरर है, फिलअप में क्या करना है, तो आपको बेसिक रूल्स को दिमाग में रखना पड़ता है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा। हिंदी में आपने क्या पढ़ा था बचपन में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में पढ़ा होगा। संज्ञा, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे ही पढ़ा था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। क्या ये परिभाषा, क्या ये डेफिनेशन अपने आप में पूरी है? जी नहीं, ये एक शुरुआत है, एक बेस हमें दे दिया गया, एक बेसिक लाइन दे दी गई कि यही है नाउन। बट आज हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हम थोरोली डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स भी देखेंगे। तो आइए जानते हैं, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। पहले मैं इसे पढ़ता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में। अ नाउन इज अ प्लेस ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। अ नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अपोजिट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। A noun is a naming word. अब आगे समझिए क्या लिखा है। It can be the name of a thing, place, person, animal और एक बहुत खास चीज आ रही है, और filling। समझे, filling भी तो noun है। देखिए, जब मैं बच्चा था ना, छोटा था, तो मुझे बताया गया स्कूल में कि हर वो चीज जो आप देख सकते हैं वो noun है। सही बताया था, गलत नहीं था, बड़ो बेस था। बट थोड़े सालों बाद जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि मेरे अंदर तो गुस्सा भी है और प्यार भी है। अब ये गुस्सा और प्यार क्या है? गुस्सा और प्यार तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो एक फीलिंग है, बट ये भी नाउन है। तो हमारे अंदर जो फीलिंग है ना, ये भी तो नाउन ही है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, या मेरे अंदर आपके प्रति श्रद्धा है, या प्यार है, डिवोशन है, ये सब मैं नाउन ही तो बोल रहा हूँ। तो ये सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है, एंड इसके टाइप्स आज हम सीखेंगे। बट मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूँ, इसे नोट कर लीजिए। व्हाट इज अ नाउन एंड दिस इज द डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सब पढ़ेंगे और थोरली पढ़ेंगे। हम एरर्स भी सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं हम चाहेंगे कि वो सारे आप हमारे साथ डिस्कस करें। तो चलिए सीखते हैं नाउन। शुरुआत है, आगाज है, आगाज में आगाज का आगाज हो गया, नाउन का आगाज हो गया। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आता है कॉमन नाउन। चलिए पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे आप ही की भाषा में कि नाउन में कॉमन नाउन क्या होता है। पहले हमें सबसे Common nouns are used to name a general type of person, place or thing. ठीक है, अभी बताया था person, place or thing, और साथ में filling भी होता है। बट यहाँ पर तो ये लिखा है, पढ़ते हैं आगे। Common nouns can be divided into smaller classes such as countable and uncountable. देखिए एक चीज आपको बताएं, ये जो कॉमन नाउन होते हैं, फाइन, वो कह रहा है आप उन्हें गिन भी सकते हैं, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। कैसे, हम आगे देखेंगे। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाई साहब, ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे ऐसे रूल्स और ऐसे चीजें हम पढ़ेंगे जो आज से पहले आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, आप पढ़ेंगे नाउन में। ओके, एंड कलेक्टिव नाउन्स जो कलेक्शन को शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, सिटी, एनिमल, फ्रेंड, हाउस एंड फूड, ये क्या है? कॉमन। ओके, अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि आपने क्या पढ़ा, यहाँ क्या लिखा हुआ है।
जब एक बच्चे का जन्म होता है ना और वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, क्या बोलता है, मम्मी पापा पानी मम, ये सब वर्ड्स बोलता है, देखा होगा आपने, आपको अपना बचपन याद नहीं होगा बट ये सब आपने किया था, है ना। अब आपके माता पिता आपको बताते होंगे, बड़े भाई बहन बताते होंगे, दादा दादी बताते होंगे, नाना नानी कि तू ऐसे करता था, तू ऐसे करती थी, है ना। तो हम क्या बोलते थे, और आज आप बच्चों को देखेंगे अपने सामने बड़ा होते हुए, तो जब वो बोलना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे वर्ड बोलते हैं, वो ट्रांसग्रेशन एंड डिसकॉम्बोबुलेटेड वर्ड नहीं बोलेंगे, वो प्लेनिपोटेंशियरी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, वो तो तब बोलेंगे। वैसे तो लोग पूरी पूरी उम्र बीत जाती है, वर्ड नहीं बोल पाते जो भी मैंने बोले, ये तो वही वर्ड बोलेंगे जो हमारी क्लासेस करेंगे वोकैबुलरी, है ना। तो बड़े बड़े वर्ड नहीं बोलते, वो कैमरा भी नहीं बोलते, वो टीवी बोल देंगे, छोटा सा वर्ड है, वो रिमोट कंट्रोल नहीं बोलेंगे, है ना, छोटे छोटे वर्ड बोलेंगे, छोटे छोटे। तो जो जो चीज़ उन्हें दिखाई दी तो हम उन्हें बताना शुरू कर देते हैं, बेटा सुन, ये लड़का है बॉय बॉय, ये जिसके लंबे बाल हैं ये गर्ल गर्ल, क्या बोल रहे हैं हम, बॉय है गर्ल है, वो जो चार पहियों वाली जा रही है, कार कार, स्कूटी स्कूटी, बाइक बाइक। अब वो जहाँ भी देखता है ना चार पहियों वाली जा रही होती है, कार, कोई भी आता कहता है बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। फिर उसे एक अद्भुत प्राणी दिखाई देता है, कहता है गर्ल, कहता है नहीं बेटा ये भी बॉय है, ये थोड़ा अलग है, है ना, ऐसे खड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। बट जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, अब उसे कहते हैं बेटा हर लड़का राजू नहीं होता, कुछ का नाम काजू भी होता है, हर लड़की टीना नहीं होती, कुछ का नाम वीना और मीना भी होता है, है ना, और हर कार मारुति नहीं होती, कुछ होंडा और कुछ BMW भी होती है। बड़े बच्चे थोड़ा सा और बड़ा होगा तब पता चलता है उसे ये कौन सा है। आइए जानते हैं, ये है हमारे नंबर टू पर जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। अब हर नाउन को ना एक नाम दे दिया गया, कॉमन नाउन में आपने क्या पढ़ा था, बॉय गर्ल कार, अब उसे प्रॉपर नाउन बताना है, प्रॉपर नाम देना है। तो कह रहे हैं बॉय बॉय बॉय, ये सब बॉय है तो कैसे पहचानोगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो कहते हैं राजू काजू राजीव संजीव अमित सुमित नाम हो गए, लड़कियों में टीना मीना डीका ये नाम हो गए, है ना। तो देखिए प्रॉपर नाउन होते हैं जो उस कॉमन नाउन को हमें नाम दे देते हैं, कैसे, देखिए कॉमन नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, स्पेसिफाई कर दिया उसे कि ये लड़का है लड़का है लड़का है, बट लड़कों के भी तो नाम होंगे तो ये स्पेसिफिक कर दिया। इन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये आपको पता है, कोई भी नाम होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, ओके। फॉर एग्जांपल लंदन है, मैरी है, टीना है, यहाँ पर एक कोमा लगा दें हम, है ना, जापान है, अर्थ है, मंडे है, डोसा है, भाई फूड तो फूड होता है, बच्चा क्या खाता है, फूड फूड, है ना, बट उस फूड का नाम क्या है, किसी का नाम डोसा है, किसी का नाम पिज्ज़ा है, किसी का नाम इडली है, किसी का नाम मंचूरियन है, है ना, तो ये सब क्या है, फूड है। डेज तो सभी होते हैं बट हर दिन संडे नहीं होता, कोई कोई मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे भी होते हैं। सिटी तो सिटी है बट हर सिटी लंदन नहीं होती भाई साहब, दिल्ली आगरा पटना भी तो होते हैं, है ना, और हर लड़की मैरी नहीं होती टीना मीना डीका, जैसा भी हमने बताया हो सकती है, और हर कंट्री जापान नहीं होती, कुछ इंडिया USA और UK भी तो हो सकते हैं, और हर प्लैनेट अर्थ नहीं होता, बहुत सारे प्लैनेट्स आप पढ़ते हैं वो भी तो हो सकते हैं। इसी तरह से हर कॉमन नाउन को एक खास स्पेसिफाई करने के लिए हमने उसका नाम रख दिया, उसकी पहचान के लिए, तो हमने उसे कह दिया प्रॉपर नाउन। आशा करते हैं आपको इतना सब समझ आ रहा है, मैं पीछे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आगे क्या है, थर्ड कौन सा है, सबसे पहला था कॉमन, फिर था प्रॉपर, और अब थर्ड कौन सा है, और थोड़ी देर बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, फिर आपको पता लगाना होगा ये कौन सा नाउन है, ओके। तो ये रहा नंबर थ्री पे कंपाउंड नाउन, भाई साहब सबसे खतरनाक यही है, खतरनाक का मतलब ऐसा नहीं है आपको समझ नहीं आएगा, खतरनाक का ये है कि हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर जो रूल्स करेंगे आज नहीं अगले सेशन में करेंगे,
वो वाले रूल्स आए तो हम टाइप सीखेंगे इसमें, है ना। इस पर चर्चा हो रही है कि नाउन है क्या और इसके प्रकार, इसके टाइप्स, इसके सोर्स कितने हैं। बट जब हम कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे तो ये खतरनाक इसीलिए है, डेंजरस इसीलिए है कि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें होंगी हमारे लिए। इसके ऊपर जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो बच्चों के तो मूर्छित हो जाते हैं वो लोग, ठीक है ना, गायब हो जाता है कि क्या हो गया, समझ नहीं आता। तो हम इसे ऐसे डिटेल में सीखेंगे कि इसके बाद आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। जैसे कि समझे, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मीन्स कंपाउंड, जोड़कर बना हुआ, जुड़ा हुआ। कैसा, इसमें ना दो नाउन मिक्स हो जाते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कभी भी एक नाउन से पहले कभी नाउन नहीं आता। बट ये एक ऐसा नाउन है जो दो को जोड़कर बनाया गया है। जैसे कि ये देखिए, वर्ड देखिए, स्विमिंग पूल, सन ग्लासेस, रेन फॉल, टूथब्रश। मैं टूथब्रश की बात करता हूँ, टूथब्रश। टूथ क्या होता है? दांत। ब्रश क्या होता है? ब्रश। बट टूथब्रश क्या हो गया? टूथ वाला ब्रश, दांतों वाला ब्रश, जिससे दांतों को साफ करते हैं, अगर आप करते हैं तो पता है, है ना। तो टूथब्रश, ये टूथ अलग वर्ड है, ब्रश अलग वर्ड है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट और कार्ड से मिलकर। एटीएम कार्ड, एटीएम और कार्ड से। बेडरूम, बेड वाला रूम, है ना। तो इन दो नाउन से जुड़कर जो बनता है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कंपाउंड नाउन आर टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट अ नाउन। आ रहा समझ? कंपाउंड नाउन्स आर समटाइम्स वन वर्ड, जैसे कि हेयर कट भी होता है, ठीक है ना। वर्ड्स जॉइंड बाय अ हाइफन, ये देखिए हाइफन से जुड़े हुए, सन इन लॉ, जवाई को कहते हैं। और एज सेपरेट वर्ड, जैसे कि बस स्टॉप, कुछ तो हाइफन से बने होते हैं, कुछ एक ही वर्ड में होते हैं, और कुछ ब्रेक करके, जैसे कि बस स्टॉप। कौन सा स्टॉप? बस वाला स्टॉप। द मेन स्ट्रेस इज नॉर्मली ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड वर्ड। इसमें विशेषता यह होती है कि जो मेन स्ट्रेस होता है वो पहले वर्ड पे होता है। जैसे कि हम कहते हैं जी कार्ड है, ये कौन सा कार्ड है? तो बोलेंगे एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, मैरिज वाला कार्ड है। तो कार्ड तो है, वो तो नॉर्मल चीज है, जो पहले वर्ड हमने बोला मेन स्ट्रेस उस पे है, ताकि उससे हमें पता चलता है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये किस ओर जाने वाला है वर्ड, है ना। तो ये हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ कह रहा है जी सन ग्लासेस, स्विमिंग पूल, ये सब मैंने अभी पढ़ा था। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन्स आर टूथब्रश, रेनफॉल, सेल बोट, मदर इन लॉ, वेल बींग, अलार्म क्लॉक। कौन सी क्लॉक? अलार्म वाली क्लॉक। क्रेडिट कार्ड, कौन सा कार्ड? क्रेडिट वाला कार्ड, जिसे क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो कंपाउंड नाउन की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये नंबर थ्री पे आता है। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, सिटी, फूड। नंबर टू पे पढ़ा प्रॉपर नाउन, जो कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि टीना मीना डीका, टोनी मोनी सोनी, है ना, एंड लंदन, पटना एंड दिल्ली। ओके, डोसा, इडली, पिज्जा, रोटी, चपाती, ये सब क्या है? प्रॉपर। और थर्ड में हमने पढ़ा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आज हम इतना ही समझेंगे, बट कल अगली क्लास में इसके ऊपर जो रूल करेंगे उसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए जी, आगे बढ़ रहे हैं हम, एंड इट्स गोइंग टू बी नंबर फोर। व्हाट इज नंबर फोर? दिस इज कलेक्टिव नाउन, बिग वन। कलेक्शन को शो करेगा, ये कलेक्शन बताएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कलेक्शन में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर बताएंगे। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू अ सेट और ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप की बात करेगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, कलेक्शन सबसे मिलकर बना हुआ कलेक्टिव, ठीक है। एंड स्टाफ हो गया, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। पीपल भी हो सकते हैं, एनिमल भी, थिंग्स भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर जैसे स्टाफ। जब भी हम कलेक्टिव नाउन का कोई वर्ड एग्जाम्पल आपको देंगे ना, तो आपके दिमाग में ना ज्यादा की पिक्चर आ जाएगी, आपको लगेगा ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। जैसे स्टाफ, भैया स्टाफ में दो लोग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बीस भी हो सकते हैं, आप देखते हैं आपका कॉलेज का, स्कूल का, ऑफिस का स्टाफ होता है। ओके, तो हम कह रहे हैं जी स्टाफ। टीम, हमारी टीम में कितने लोग हैं। क्रू, हर्ड, हर्ड जानवरों का ग्रुप होता है। फ्लॉक भी पक्षियों का ग्रुप होता है, जानवरों का भी होता है। बंच, गुच्छा, चाबियों का भी होता है, अंगूरों का भी होता है। ज्यूरी, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस। ओके, फैमिली,
हम सभी की है। कमेटी, कमेटी में कितने मेंबर हैं। क्राउड, भीड़, मॉब का मीनिंग भी होता है भीड़। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ज्यादा है बुक्स ज्यादा है तो लाइब्रेरी बन गई। टीम ऑफ प्लेयर्स एंड अ फैमिली ऑफ फोर एटसेट्रा। सम कलेक्टिव नाउन्स आर यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, अब ये क्या कहें, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मेरे सामने आ रही है जो मुझे लगता है मुझे आपको बता देनी चाहिए, वो ये है कि ये दो वर्ड आ रहे हैं मॉप एंड क्राउड, इन्हें समझ लीजिए, इन्हें समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि भीड़ के लिए दोनों वर्ड यूज होते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए क्राउड जो होता है ना, आप अभी अगर दिल्ली में आएंगे करोल बाग में जाओ, आप राजीव चौक पे जाओ, चांदनी चौक पे जाओ, मेट्रो स्टेशन के पास जाओ, बड़ी भीड़ हो जाती है। बड़ों सब लोग क्या एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते, उनका पर्पज अलग है, तो वह है क्राउड। ठीक है, जहाँ किसी कारणवश लोग अपने अपने अलग अलग रीजन से जो इकट्ठे हो जाते हैं वो बन जाता है क्राउड। और मॉब होता है जो गतिशील है, जो अग्रेसिव है, जैसे जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, सबका उद्देश्य एक है, सबका टारगेट एक है, हमारी मांगे पूरी करो, तो वो क्या है, वो मॉब है। भागो, दुकानें बंद कर दो, भीड़ इसी ओर आ रही है, तो बताइए क्या आ रहा है, मॉब या क्राउड? क्राउड कहीं नहीं जाता, क्राउड वहीं रहता है, मॉब चल सकती है तो मॉब होगी। ठीक है, मॉब इज अग्रेसिव, मॉब में गुस्सा हो सकता है, क्राउड में गुस्सा नहीं होगा। क्राउड तो सब अपने अपने रीजन से वहां पहुंचे हुए हैं, सबका उद्देश्य डिफरेंट है। ओके, तो ये खास था जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ना कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं ग्रामर में। ठीक है, आइए और सीखते हैं क्या है जी आगे। इसमें हम देखेंगे इसके, देखिए टाइप्स। सम कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल और बर्ड्स के ग्रुप के लिए क्या क्या यूज होते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का समूह, तो उसे फ्लॉक कहते हैं। भैया ग्रुप तो किसी को भी कह दोगे ना, ग्रुप तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, बट शीप के लिए, भेड़ों के लिए फ्लॉक ही यूज होगा। ग्रामर में एरर बन के आती है इसके ऊपर, जैसे कि मैं बताता हूं, हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। अब अगर ऐसे आ जाए फ्लॉक ऑफ कैटल अगर लिखा होगा तो वो रॉन्ग इंग्लिश होगी, वहां आपका दो नंबर कट जाएंगे अगर आपने उसे सही कर दिया तो। और हर्ड ऑफ शीप नहीं होता, दिस इज फ्लॉक ऑफ शीप ही होगा, यह हमें पढ़ना पड़ेगा। स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का जो समूह होता है स्टड कहते हैं उसे। लिटर ऑफ कब्स, कब्स होता है जानवरों के बच्चे, उनके ग्रुप को लिटर कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, शॉल ऑफ फिश होता है, पैक एक्सक्यूज मी पैक ऑफ वुल्स, भेड़िए, उनके ग्रुप को पैक कहते हैं। एंड स्वार्म ऑफ बीज, बहुत सारी जो मक्खियां इकट्ठी हुई होती है ना उसे कहते हैं स्वार्म ऑफ बीज। अब आप वहां पर ग्रुप ऑफ बीज नहीं बोल सकते, याद रखना, और ये अदला बदली भी नहीं होगी। अगर आप ऐसे बोल दोगे ना फ्लॉक ऑफ बीज, गलत हो जाएगा। एक्सक्यूज मी ओके, आगे बढ़ते हैं जी। और क्या है हमारे पास, ये देखिए ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए भी है। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। पाइल ऑफ क्लोथ्स, उनका जो पूरा ढेर लग जाता है कपड़ों का, पाइल ऑफ क्लोथ्स। कलेक्शन ऑफ बुक्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी तो सुना होगा वर्ड आपने, है ना, सो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, अभी आपके पास में है स्टार्स। अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड का जो गुच्छा होगा उसे गुच्छा तो नहीं बोलेंगे ना हिंदी में, तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में तो पैक ही बोलेंगे। एंड एटलस मैप्स, मैप्स की जो कलेक्शन होगी उसे एटलस बोलेंगे। अ बुक ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, एक चीज समझते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अब ये बंच हमें दो जगह मिला, कीज के लिए भी और ग्रेप्स के लिए भी। अच्छा ये देखिए, जब जब आप फूलों को इकट्ठा ऐसे करते हैं और बांध देते हैं तो वो बन जाता है बुके, ये टी साइलेंट, इसे बुके बोलते हैं। ठीक है, बट उन्हीं को अगर आप धागे में पिरोकर माला बना देंगे तो बन जाएगा अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, ये भी तो कलेक्शन ही है। ठीक है ना, ये भी तो कलेक्शन है। आइए आगे जानते हैं और क्या है हमारे पास। हमारा अगला, सम कलेक्टिव नाउन डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो लोगों को भी डिफाइन करने वाले वर्ड्स हैं क्या। क्रू ऑफ सेलर्स,
सेलर होता है यात्री, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन का बैंड होता है, और इसके लिए ना ऑर्केस्ट्रा वर्ड भी यूज होता है, बैंड की जगह ऑर्केस्ट्रा वर्ड भी यूज होता है, क्लास ऑफ पीपल्स, शिष्यों की क्लास होती है, ट्रूप ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स का ट्रूप होता है, ओके, पैनल ऑफ जजेस जिसे आप ज्यूरी भी बोलते हैं, अभी पढ़ा था हमने, गैंग ऑफ रोबर्स, गुंडों का तो गैंग होता है, ये आपने मूवीज में खूब सुना होगा, और सम कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये देखिए जी, ये तो अभी अभी हमने पढ़े थे, दोबारा आगे, ओके, ये बहुत खास है, ये मुझे बहुत पसंद भी है और ये खास भी है, ठीक है, पसंद इसलिए क्योंकि ये खास है और खास इसलिए क्योंकि वाकई ये औरों से अलग है, इसे समझने में हमें थोड़ा सा फीलिंग को समझना होगा, और जो हमारी फीलिंग होती है वो भी तो एक तरह का नाउन ही है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी अभी मैंने क्या कहा था, हर वो चीज जो दिखाई देती है वो नाउन है, ऐसा हमने पढ़ा था, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि एक फीलिंग है, कैसे, गुस्सा है, प्यार है, हमारे अंदर है, है ना, तो वो मुझे उसकी ऑनेस्टी पसंद है, मुझे उस इंसान की ईमानदारी पसंद है, ईमानदारी दिखाई देती है जी नहीं, वो एक तरह का बिहेवियर है, वो तो कोई रिजल्ट आएगा तो आप बोलेंगे बंदा ईमानदार निकला यार, है ना, तो ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है, फाइन, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, एंड आर नॉट कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट भी नहीं होते, ये ठोस नहीं होते कि आप इन्हें देख पाए, उठा पाए, खा पाए, पी पाए, ये तो बस फीलिंग है, दे रेफर टू आइडियाज, ये आइडियाज को रेफर करते हैं, भाई आइडियाज जो होते हैं, कहते हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, कहते हैं देख कैसे दूं, आइडिया ऐसे हाथ में थोड़ा ना दिया जाता है, अच्छा दिखा, दिखा भी नहीं सकते, वो तो डिस्कस कर सकते हैं, है ना, उसे प्लान कर सकते हैं, फिर क्या आता है जी, इमोशंस, क्या आता है, कॉन्सेप्ट्स, ये क्या है, क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अच्छा, एंड यू कैनॉट सी, आप इसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हियर सुन नहीं सकते, स्मेल सूंघ नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, समथिंग दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, मैनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, अब आइडियाज को तो आप काउंट कर सकते हैं ना, बाकी को नहीं कर सकते, एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर लव, अच्छा लव एक वर्ब भी होता है जिसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं, लव लव्ड लव्ड, आई लव यू बोलते हैं, आई हेट यू बोलते हैं, बट वो वर्ब है, एक नाउन भी होता है, लव, टाइम, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, क्रिएटिविटी, जस्टिस यानी कि न्याय, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, इंटेग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपकी स्पीड, ये सब क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप इन्हें देख टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, आप इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें स्मेल और टेस्ट भी नहीं कर सकते, आगे जानते हैं जी, मटेरियल नाउन, ये जो मैटर होती है बहुत सिंपल है, गोल्ड है, आयरन है, मिल्क है, टी है, प्लास्टिक है, सिल्वर है, कॉटन है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन रेफर टू अ टेंजिबल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इन्हें किसी ना किसी मटेरियल से बनाया जाता है, मटेरियल से ही तो मैटर बना है, तो उसी से बना है मटेरियल नाउन, ठीक है, अब इसमें ये सब एग्जाम्पल आपने देखे, और एक नोट ये जरूर नोट करिएगा कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल ए एन दी यूज नहीं होता है, ओके, इस पे हम रूल नंबर वन में अगली क्लास में पढ़ेंगे, अच्छा आगे देखिए जी, नंबर नाउन, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है जी, एक वचन, प्लूरल क्या होता है, बहुवचन, तो सिंगुलर में क्या आ गया, पर्सन, और प्लूरल में क्या आएगा, पर्संस, वन टॉय, टॉयज, ठीक है, पेन, पेंस, ये सब क्या है, सिंगुलर प्लूरल, ओके, नंबर नाउन में इसके बाद आते हैं जेंडर नाउन पे, जेंडर में क्या क्या आता है समझ लेंगे, बहुत खास है जी, मैस्कुलिन फेमिनिन तो आपको पता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, मैस्कुलिन जेंडर हो गया स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर हो गया स्त्रीलिंग, दिस इज पुलिंग, दिस इज स्त्रीलिंग, सॉरी, कॉमन जेंडर
एंड न्यूटर जेंडर भी होते हैं। ये क्या होते हैं आइए समझते हैं। जैसे पहले मैस्कुलिन जेंडर में हमने क्या रखा, बॉय, फादर, ब्रदर, जो लड़के होते हैं। फेमिन जेंडर में क्या रखा, गर्ल्स, विमेन एंड फीमेल एनिमल्स हो गए, ठीक है, या मेल एनिमल्स हो गए या फीमेल एनिमल्स हो गए, तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर। ये तो हमें समझ आता है, बट ये क्या है, ये कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर क्या है, आइए इसे भी सीख लेते हैं। देखिए कॉमन जेंडर में आता है, पढ़ते हैं, विच डज नॉट स्पेसिफाई एनी जेंडर बट डिनोट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब कोई टीचर है, डॉक्टर है, ऑफिसर है, हम जब बोल रहे हैं जी टीचर, देयर इज अ टीचर इन द क्लास, तो भैया वो सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती है, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी हो सकते हैं, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसके लिए हम कॉमन जेंडर यूज करते हैं। डॉक्टर विल चेक यू, अब पता नहीं वो ही होगा शी होगा, तो जाके पता चलेगा, है ना, तो उसे कहते हैं जी वर्कर, माय वर्कर्स आर वेटिंग फॉर मी। भाई वर्कर्स सुन के पता नहीं चल रहा कि वो आदमी है या औरतें हैं, तो हम कह देते हैं वर्कर। तो ये क्या है, न्यूट्रल नाउन, कॉमन जेंडर है, सॉरी, एंड दिस इज न्यूट्रल जेंडर। ये वस्तुओं के लिए यूज होता है। ये जो वस्तुएं हैं क्या है जी, पेंसिल है, लाइट है, वाटर है, स्टार है, बुक है, डस्ट है, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए न्यूट्रल जेंडर होता है, इंसानों के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन होता है, और प्रोफेशन के लिए किसी को नाम देना तो हो जाता है कॉमन जेंडर। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आप इन सब के बारे में बताना चाहेंगे कि ये किस तरह के नाउन है? ये नंबर वन है, नंबर टू है, नंबर थ्री है, नंबर फोर है, दिस इज फाइव एंड दिस इज सिक्स। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स, सोच के बताइए ये किस तरह के नाउन है, जल्दी सोचिए, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। ड्रीम, जस्टिस, गोल्ड, कार, विराट कोहली एंड टूथब्रश। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनमें से बहुत से ऐसे नाउन्स होंगे जो दो कैटेगरी में भी आ सकते हैं, बट आपको एक कैटेगरी बताइए, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सुनिए जी, दिस इज ड्रीम, क्या ड्रीम को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो ये कौन सा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये। जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय, क्या आप इसे देख सकते हैं? ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आता है गोल्ड, गोल्ड कौन सा नाउन है, अभी हमने क्या पढ़ा था, मटेरियल नाउन, आपको टाइप करना चाहिए यहां पर। फिर आता है कार, कॉमन नाउन है। विराट कोहली, प्रॉपर नाउन है। टूथब्रश, कॉमन तो है ये, बट टूथब्रश है क्या, दिस इज कंपाउंड नाउन, जो दो से बन के मिला है, एक से ज्यादा से मिलके बना है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आज हमारा मुद्दा ये था आपको ये बताना कि इसके टाइप सीखे। ठीक है, हमने इसके टाइप्स देखे, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी देखा, हमने जेंडर को भी समझा, जेंडर में चार थे, अभी खोल के पढ़ लीजिएगा, इनके स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं, प्रॉपर कलेक्शन बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। कल से हमारी क्लास में शुरू होंगे इसके रूल्स, इसकी एरर कैसे बनती है, तो मैं ट्राई करूँगा अपनी ओर से कि 400-500 एरर्स इसकी ज़रूर डिस्कस करें। आने वाला समय हमारा नाउन को ये डिस्कस करने का है, इससे पहले हमने टेंसेस को भी ख़त्म किया है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पिछला जो किया है उसे रिवाइज करें। जिनकी आज ये पहली क्लास है, आई वुड सजेस्ट ढंग से करें, थोरोली करें और लिखें, नोट्स बनाएं। अगर आप ऐसे ही सुस्ती में कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और अगर आप चुस्ती में कर रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, इनके स्क्रीनशॉट्स लेके अलग से कलेक्शन करिए। ठीक है जी, हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके रूल्स को डिस्कस करने के लिए, और आज हम शुरुआत कर चुके हैं नाउन की। आज की क्लास में हमने सिर्फ इसके टाइप्स ही पढ़े हैं, और टाइप्स में आपने समझा कैसे कैसे हम उसके एग्जांपल से, हम बहुत आराम से करेंगे,
कैसे कैसे हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं और कैसे अपनी लाइफ में उसे यूज़ करते हैं, ये भी समझना है। एरर्स तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी में नहीं करेंगे, बड़े आराम से समझेंगे, क्योंकि ये क्लासेस करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपको दोबारा कहीं ट्यूशन ना पढ़नी पड़े इंग्लिश की, दोबारा टीचर की तलाश ना करनी पड़े। इन क्लासेस को अगर आप थोरली कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो चलिए गुड बाय करते हैं, वाइंड अप करते हैं इस क्लास को। कल सेम टाइम पे मिलेंगे नाउन के साथ, उसके रूल्स के साथ, उसकी एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।